करनाल के गांव गगसीना से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया है। यहां गोलियां व तेज धार हथियार भी चले हैं। इस घटना से आसपास अफरा तफरी मच गई है। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है तथा कई लोग घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि आज बुधवार को सुबह करीब 9 बजे हुई इस घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। एसपी गंगाराम पुनिया भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पहुंचे। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 एकड़ जमीन को लेकर कई वर्षों से विवाद चला हुआ है। इसी के चलते कोर्ट में भी मामला चला था। इसी जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में आज बुधवार को भिड़ गए। दोनों पक्ष जमीन की निशानदेही को लेकर कई दिनों से तनातनी में थे। बुधवार सुबह करीब 9 बजे इसी तनाव के चलते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर तेज धार हथियार चले। इस बीच गोलियां भी चली, जिसमें 55 वर्षीय दिलबाग सिंह, 45 वर्षीय बलराज व 25 वर्षीय प्रवीण की मौत हो गई, जबकि जोगिंदर, जितेंद्र, हरदीप, सोनू, मीनू, रूपचंद, दयानंद व सुरेंद्र सहित कई अन्य घायल हो गए। घायलों को CHC घरौंडा ले जाया गया। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई आरोपित फरार हैं तो कईयों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उधर SP गंगाराम पुनिया का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घायलों का उपचार चल रहा है। घायलों को घरौंडा CHC ले जाया गया है। मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भिजवा दिए गए हैं। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला हुआ है? गांव में दो पन्नों में आपसी झगड़ा था। हमारे किसने पन्ने गांव की जमीन थी जी, इसमें किसने पन्ने का और जो जिस परिवार से झगड़ा हुआ उन दोनों की आपसी तनातनी का हिसाब से चल रही थी जी। ये मौके पे निशानदेही हो गई थी, सारी चीज़ हो गई थी। जब इनकी बात नहीं बनी तो केस कोर्ट में चला गया जी। आज अचानक सुबह 7 बजे दोनों पार्टियों की आपस में कहा सही हुई, जिससे इनको चोट लगी और 3 आदमी गांव में मरे। डेथ किन किन की हुई है? दिलबाग सिंह है जी, एक बलराज है, एक प्रवीण अलग जी। तो घायल कितने लोग हुए इसमें? घायल मेरे ख्याल से 10-12 होंगे, 12-13 आदमी घायल जी। तो पुलिस वगैरह मौके पर पहुंच गई थी? हाँ, पुलिस मौके पहुंच गई। क्या डेड बॉडी वहां से हॉस्पिटल लेके गए या कुछ? दो डेड बॉडी गांव में ही है। एक की डेथ यहाँ हॉस्पिटल में आगा हुई है, बलराज की जी। तो डेड बॉडी नहीं उठाने दे रहे अभी? नहीं, वो तो गाँव वाले वहीं इकट्ठे हैं, भी दोषियों पर कार्रवाई हो तब जाके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.